Welcome to the Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the solution of Part A questions asked in the CSIR-UGC-NET examination 2018 December. ठीक है, तो December 2018 के पेपर में पूछा गया जो questions है Part A में, उनके solutions के बारे में मैं discuss करने वाला हूँ. So let's see those questions and let's see how to solve them and what is the answer key for those questions. क्या क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आप क्वेश्चन एक बार रीड करिए. द डायमीटर ऑफ द पिन होल ऑफ टू अदरवाइज आइडेंटिकल कैमराज ए एंड बी आर 50 माइक्रोमीटर एंड 200 माइक्रोमीटर. ओके, 50 माइक्रोमीटर एंड 200 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द इमेज इन कैमरा ए विल बी. ठीक है, एक क्या है कि ए और बी दो कैमरा है, दोनों के डायमीटर्स अलग अलग हैं. एक का 500 माइक्रोमीटर है और एक का 200 माइक्रोमीटर है. ए जो है उसका 500 माइक्रोमीटर डायमीटर है और बी का 200 माइक्रोमीटर डायमीटर है. तो वो पूछ रहे हैं कि जो इमेज होगा वो शार्पर होगा, ब्राइटर होगा या नहीं होगा, वो किस तरीके के रिलेशन होंगे. ठीक है, तो आपको बता दूँ कि जो ऑप्टिक्स, अगर आपने नहीं पढ़ी, ये जनरल सेंस का क्वेश्चन था कि जो लेंस डायमीटर्स होते हैं, ठीक है, हम उनको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ फिल्टर साइज. ठीक है, इनको लेंस डायमीटर को हम फिल्टर साइज भी बोलते हैं ऑप्टिक्स के केस में या जो कैमरा मैन या फोटोग्राफी के केस में. ठीक है, तो क्या होता है कि जब लेंस डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फिल्टर साइज मतलब कि आपका फिल्टर साइज ज़्यादा हो जाता है, जो रेज होती हैं, जो लाइट्स होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इमेज ज़्यादा शार्प दिखता है आपको. ठीक है, इमेज की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है अगर लेंस का डायमीटर ज़्यादा हो. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग कि इफ़ डायमीटर विल लार्ज, देन लार्ज अपर्चर. ठीक है, क्या होगा, अपर्चर लार्ज हो जाएगा. अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज अ होल और एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स. ऑब्वियसली बात है कि अगर डायमीटर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा अपर्चर हुआ, ज़्यादा अपर्चर हुआ तो ज़्यादा लाइट ट्रेवल करेगी, तो आपको जो इमेज मिलेगा वो ब्राइटर मिलेगा. ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो ए में होगा 500 माइक्रोमीटर में, वो इमेज शार्पर भी होगा एंड ब्राइटर होगा देन बी, क्योंकि उसका डायमीटर कम है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन रीड करिए. द कर्व ऑफ वाई टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 4x इंटरसेक्ट ईच अदर एट. दो कर्व हैं, पूछ रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको जनरली ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप x की वैल्यू पुट करिए. ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करिए. अगर आप x 0 पुट करेंगे तो y विल बी 0, y विल बी 0. तो 0 पे क्या होगा, दोनों के दोनों मिलेंगे. जैसे पहले इक्वेशन में, यहाँ पे देखिए, पहले इक्वेशन में y इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें जब x आप पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दूसरे इक्वेशन में जब y इक्वल टू 4x दिया है, इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो अगर x 0 है तो दोनों y क्या होंगे, 0 होंगे. तो दोनों कर्व क्या होंगे, एक जगह पे मिलेंगे, वो पॉइंट क्या होगा, वो 0 होगा. ये ग्राफ में आप देखिए, यहाँ 0 पे क्या है, दोनों पॉइंट मिल रहे हैं. ठीक है, अब हमने x इक्वल टू 1 पे करेंगे तो आपको जो y की वैल्यू सेम नहीं आएगी. ठीक है, x इक्वल टू 2 पे करेंगे आप, जब 2 पे करेंगे तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा आपको, 8. ठीक है, और अगर y इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में बात करें तो y इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 2 रखिए वहाँ पे, 8 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों y की वैल्यू क्या हो रही है, सेम हो रही है. तो सिर्फ दो पॉइंट्स पे ऐसे होंगे जहाँ पे कि दोनों कर्व्स एक साथ मिलेंगे, एक कहाँ पे, एक x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पे. ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व आएगा. ठीक है, तो दिस इज, बाकी आप इससे बढ़ाते चले जाएंगे, x की वैल्यू 2 से कितना भी ज़्यादा बढ़ा लीजिए, क्योंकि जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है इट इज़ एक्सपोनेंशियल. ठीक है, दो पॉइंट में मिलने के बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा और फिर कभी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो सिर्फ दो पॉइंट पे ये दोनों कर्व मिलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन एक बार आप रीड करिए. तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू
of 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square plus 5 square, एक सीरीज दिया हुआ है और पूछे कि सीरीज में क्या है कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको देखिए, अब सॉल्यूशन इज लाइक कि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के दोनों तरीके, आप या तो वैल्यू रख के रखिए या a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, जो भी है। अगर 1 स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी, तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3, ठीक है। प्लस अब दूसरा, दो दो पैटर्न पे साथ चलिए, 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, ऐसे हम पैटर्न पे चलेंगे। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है, 3 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 9 हो गई, और 4 स्क्वायर की 16। जब आप 16 और 9 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 7, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरीके से 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर में देखिए, 5 स्क्वायर की वैल्यू है 25 एंड 6 स्क्वायर की वैल्यू है 36, मतलब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 11। 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर देखिए, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, आपको मिला वैल्यू माइनस करने पे माइनस 15। 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर देखिए, 9 का स्क्वायर 81, 100, 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस करेंगे माइनस 19 आपको मिलेगा। ये वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी, किस पैटर्न में बढ़ रहा है आपको दिख रहा है, किस पैटर्न में बढ़ रहा है, माइनस 3 से क्या हुआ, माइनस 7, माइनस 3 आया था पहले, उसके बाद माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 11, माइनस 15, माइनस 19, माइनस 4 जो उसमें है ऐड होता चला जा रहा है, देख रहे हैं, माइनस 4 आपको ऐड होता चला जा रहा है। इसी तरीके से आप आगे भी करेंगे, 11 का जैसे 121, 12 का 144, जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 23। देन आप 13 और 14 का करेंगे 169 एंड 196, आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 26, ठीक है, 27 मिलेगा, सॉरी 27 मिलेगा, माइनस 27। इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, 17 स्क्वायर और 18 स्क्वायर का क्या मिलेगा आपको, 18 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 324 होती है, 17 का क्या होता है 289 होता है, आप ऐड माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये, ठीक है, 43, ठीक है, आप टोटल ऐड करोगे माइनस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर माइनस में, तो आपको पूरा वैल्यू कितना आएगा, वो माइनस 171, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये टोटल जो ये माइनस वैल्यू यहाँ तक आ रहा था माइनस 18 स्क्वायर तक, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप उसमें लास्ट टर्म जो दिया है वो प्लस 19 स्क्वायर दिया है, लास्ट टर्म प्लस 19 स्क्वायर दिया है, इस 19 स्क्वायर का वैल्यू होता है 361, तो टोटल वैल्यू माइनस 171 आ रही थी ऐड करके, और 361 प्लस में है तो ऐड करेंगे आप, मतलब घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 190, ठीक है, टोटल आपको मिला 190, तो आंसर क्या होगा इसका, 190, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे प्रोसीड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चन जो पार्ट ए के हैं वो लेके आने वाला हूँ। अगर आप तक को, आपको अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकेडमी और यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक ग्रुप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।